अरे बाबूजी क्या गलत बानी आपने? अरे बेटा, अरे जीजा जी, अरे क्या गलत बानी आपने? अरे दीदी, अरे बेटा तू आ गया। भाई क्या हो रहा है? भाई तुम लोग ही क्या गलत बानो? आपन बेटा के सर पे सेहरा देखल, आपन घर में बहु लावल, माई बाप के सबसे बड़ा सपना हो खेला। माई, हम अपने लोग के सपना बहुत बड़का जगह फिक्स कर दे ले बानी। ये बेचारा भिखारी के बेटी के साथ शादी कौन करी? राजा बाबूजी क्षमा चाहत बानी, मगर जौन जगह हमनी के रिश्ता तय करके आयल बानी नू, उ लोग इतना बड़ा लोग बा कि उ लोग के सामने ये बेचारा के कोनो औकात ही नहीं थे। उ लोग महल जैसन हवेली में रहेला और ये बेचारे मिट्टी के घर में रहेलन, और इनकर गोदाम के अंदर इतना अनाज ना होके जितना ओकर तिजोरी में रुपया बा। अरे मामा तू आगे बताना, हम तो बीच में अटक गई नहीं। जीजा जी, हमारे गांव के कुल मिला के इतना गाय भैंस ना हो कि जितना उनका पास इम्पोर्टेड गाड़ी बा। शिवनाथ जी, हमारा पता ना रहे कि अपने हमार बेइज्जती करें और हमार पगड़ी उछाले के लागी बुलाई ले रही। चली जी चली। आखिर जीजा जी लोग के बोलो ले कह रहा। कलेजा ठंडा हो गया? पूरा बिरादरी के सामने हमारी इज्जत खाक में मिला देना? अरे वो 20 गांव के चौधरी है, तू के भिखारी कह देना? अरे छोड़े ना बाबू जी, अब अपने के बहुत बड़ा समय आ गया बा। अब अपने के दोस्त बताओ ना मामा कैसन होवे के चाहिए? जीजा जी, बड़ा बड़ा रईस, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा बड़ा टाइकुल के साथ दोस्ती करे के जमाना आ गेल बा। बाबूजी चली ना, हम तो कहत बानी अपन गुस्सा भी हमारे ससुर में जाके थोकी। मुंबई चली ना बाबूजी। का बा मुंबई में? ला पूरा रामायण खत्म हो गई, जीजा जी पूजत बान मुंबई में का बा? बाबूजी हम चाहत बानी की अपने खुद मुंबई चल के अपन हाथ से हमारा रिश्ता तय करी। केकरा साथ रिश्ता तय कराई? मुंबई शहर के सबसे बड़ा करोड़पति के इकलौती बेटी सेठ धनपत राय के बेटी के साथ। मुंबई के सबसे बड़ा रईस के बेटी के साथ तुम्हारा रिश्ता? मामा दीदी भांजा एकदम ठीक कह रहा बा। सेठ जी मुहूर्त फाइनल करे के लागिन अपने दोनों के राजधानी एक्सप्रेस से बोलोले बा। बाबूजी चली ना, का सोचत बानी? एक बात बतावा, इतना बड़ा घर के लेके के साथ ब्याह करबा तो ब्याह के बाद वो अपन महल जैसन बंगला के शहर से छोड़ के गांव के मिट्टी के मकान में रह लगी तैयार हो जाए? ना ना, वो बिचारी के ये वहाँ कायल है, हम नहीं के जाए नू, उनके साथ रहे नू पैलेस में, पैलेस पैलेस। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब तू अपन ससुर के घरे जाके उनकर दौलत पर ऐश करबा? हाँ, मैं रिश्ता लगे तैयार नहीं थी। बाबूजी अपने की रिश्ता मंजूर नहीं थे? बिल्कुल मंजूर नहीं थे। यानी कि इतना बड़ा घर के रिश्ता को ठोकर मारत बानी? हाँ, ठोकर मारत बानी, बल्कि बेइज्जत रिश्ता के ठोकर मार के गली से बाहर फेंकत बानी। मगर अपने काहे ठोकर मारत बानी? यह लागे कि हम छोट आदमी बानी, हमार पैर हमार जमीन पर बा, हमार सर कांधा पर बा, और हमार दिमाग के अंदर हमार औकात तौले के तराजू लागत बा। हम अपन औकात जानत बानी, वो चौधरी के सामने हम सीना फुला के बात करत रही, कहे को हमार बराबरी के रहे हम ओकरे बराबरी के रही। हम उतना ऊँच जगह रिश्ता नहीं करल चाहत कि जहाँ ऊपर देखत वक्त हमारे सर से पगड़ी उतर के हमार ठोकर पे आ जाए। ऐसा जगह पर रिश्ता ना करब हम। तो अपने ये रिश्ता हमारा ना करवाए? बिल्कुल ना। तो ना कराए? बिल्कुल ना। ठीक बा, हम माई के बाद जात बनी, माई तो हमारी शादी ना होके रही तो हमारे साथ चला। देखा राजा जी, आज तक ले हम तोहार हर मांग हर जीत पूरा करनी, हर बात में तोहार साथ देनी, चाहे वो सही होके या गलत। लेकिन आज आज हम तोहार ना इनका साथ दे। माई तू का कहत बड़ू, तू हमारे साथ ना देबू? हाँ बेटा, काहे कि जब बेटा के शादी होखेला तो मंडप में माई अपन पति के साथ बैठे ली, और जवन मंडप में तोहार बाबूजी ना होखी हन वहाँ बैठल हमरा लागे पाप बा। ठीक बा, आज हमारे साथ केहू नहीं खेदेत, बाबूजी भी नहीं खंदेत, माई भी नहीं खंदेत। मामा तू हमारे साथ चल बा कि ना? भांजा तोहर मामा बानू तोरा साथे ही गेल रहे, तोरा साथे ही आयल, अब वापस भी तोरे साथे जाए। अच्छा तो ठीक बा, तू हमारे साथे चला, आशीर्वाद भी नहीं खे देत मामा। धर्मशाला? हमार सहेली हमार बहन के ब्याह धर्मशाला में। देखा बेटी, हमार जितना औकात बा उतना ही हम कर सकत बानी। अपने से अपने के औकात पूछल के ये हमार सहेली के ब्याह बा, एकर डोली हमार घर से उठे जा रहल बा, यह लागे एकर शादी कौनो धर्मशाला उमरशाला में ना कौनो शानदार होटल में ओखी। लेकिन बेटी हम। लेकिन वेकिन कुछ ना, होटल मतलब होटल। ओए चिट्ठी बा की मनी आर्डर बा। केकर चिट्ठी है बेटा? अपने के भाई साहब के चिट्ठी बा। लिखा बा आवे वाला 10 तारीख के उनकर बेटी के शादी बा, हम सबके वहाँ बुलाइले बाड़न। पहले सामान डाल ले, शादी में जाए।
अरे ठहरा, पता सता बाना, उनके बेटी के शादी बा, 2-4 हजार तक टिकट में लग जाई, मिले के हुआ खाक बा। हमरा बड़ा आयल सामान बांधा था शादी में जाए के बा। भांजा सजावट तो बहुत अच्छा बा, और लाइट के सजावट तो हमारे गांव से भी अच्छा बा। मामा ये पीछे कहाँ जा रहल बाड़ी? चक्कर काट के आई। अच्छा अच्छा, आई अंदर, आई अंदर। ससुर जी, ई सर्वेंट क्वार्टर लगा था। हम यहाँ भी रहे बेटा। अपने ही काहे रहिला, अपने लोग हवेली में काहे ना रहिला ससुर जी? काहे मजाक करत बाड़ा, वहाँ हम कैसे रह सकत बानी, वहाँ हमार सेठ जी रहे। अच्छा अच्छा, अपने के भी केहू सेठ जी बा? हाँ सेठ धनपत राय। लेकिन ससुर जी सेठ धनपत राय तो अपन ने बनी नू। काहे मजाक करत बाड़ा बेटा, हम तो सेठ जी के नौकर बानी, ये हवेली के माली। का माली? ओ प्रभु, हम तोहरा जितना भी गुण गाई कम बा, ना जाने हम पिछला जन्म में कौन सा ऐसा कर्म कैले कि इस जन्म में हमरा ऐसा दामाद मिलल, ये हर लालच से दूर जौन कौनो किस्म के कौनो मांग हमरा से ना कैले। हे भगवान, ऐसा निस्वार्थी दामाद आज के युग में मिलल था एक तरफ, सपना में भी देखल मुश्किल बा। हम चाहत बानी भगवान, दुनिया में हर माई बाप के ऐसा दामाद मिले और ऐसा रिश्तेदार मिलस जैसे कि हमार दामाद के मामा बा शादी लाल। मामा का सोचत बाड़ा? भांजा, तुहार मोहब्बत के चक्कर ता हमार सोना के चैन भी बिकवा दलक, अंगुली में एगो अंगूठी रहे वो बिकवा दलक, पर्सनालिटी के लगी सोना के दांत मुंह में रहे वो भी बिकवा दलक। मामा तू हर वक्त अपने बारे में सोचत रहेला, जरा हमरा बारे में सोचा, हम का सपना देख ले रही, विवाह करके हनीमून करे स्विट्जरलैंड जाई, लेकिन अब जिंदगी ना स्विट्जर बा, ना लैंड बा, ना हनी बा, ना मून बा। हमनी खड़ा के हवा बानी, हमनी के तो खड़ा सिर्फ दिखाई देत बानी। जीजा जी, हम अपने के हनीमून के पूरा इंतजाम कर दे ले बानी। अच्छा, और भी इंतजाम कई ले बानी आपने? जीजा जी, अपने के पता बा, घर में दुनिया भर के मेहमान आई बाड़न, पैर रखे के जगह नहीं के। कहां से हो कि घर इतना छोटा बा के पैर रखा घर खत्म हो जाए? हां, तो ई लागी हम अपने के सुहागरात के इंतजाम तबेले में कई ले बानी। अच्छा, मामा मामा तबेला में इंतजाम कई ले बाड़ी, तबेला में। हम तोहरा से कहल चाहत रही, हम ही कहल चाहत रही, कहेला कि ई रहे हमरा, ई हमरा कहे देत हम पूरा रात ऐसा ही कहे में ही गुजार दे बका।
फस गईल जा झमेले में, फस गईल जा झमेले में, बज गईल बजा तवेले में, अरे बज गईल बजा तवेले में। नैनीताल चलब रे, शिमला चलब आ, भोपाल चलब रे, हाँ झुमरी तलैया नैनीताल चलब रे, शिमला चलब आ, भोपाल चलब रे। गईल जा झमेले में, बज गईल बजा तवेले में, अरे बज गईल बजा तवेले में। अरे राजा चला अकेले में, राजा चला अकेले में, बज गईल बजा तवेले में, अरे बज गईल बजा तवेले में। मामा मामा मामा, ई भैंस के नानी मर जाए। ई भैंस ने हमारा एना ओना सिंग मार मार के हमारा शरीर का गुब्बारा बना दिला। अरे शरीर का तोहर तो पूरा जिंदगी में गुमर पड़ गईल, घर से गईला, गांव से गईला, अब नौकरी से भी गईला। हाँ। अगर ऐसे ही बुरा टाइम चलत रहल ना तो हमरा भी कुछ सोचे के पड़ी। बस मामा तोहार सोचे तो हमार बात हो गई नहीं, अब तू मत सोचा, मत सोचा तू। अब मामा तू हमार जख्म को गोदाम समझ के काहे ओकरा में नमक छिड़कत रहा।